अगर आपने पहले नंबर की तस्वीर को चुना है तो आपके लिए जो संदेश है वो आप देख सकते हैं। ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। तो ये वो समय है जब आपको अपने मन को शांत रखना है, अपने विश्वास को और मजबूत बनाना है ईश्वर के प्रति, और जो भी कुछ आपकी इच्छा चल रही है, जो भी कुछ आप मन में सोच रहे हैं उसको लेके कभी भी एक पल के लिए भी आपको नकारात्मक विचार अपने मन में लेके नहीं आना है। और जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं ना, वो अवश्य आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार हो सकता है इस चीज़ में। आपको लगने लगेगा शायद कि आपको कामयाबी ना मिले, या फिर आप जो चीज़ चाह रहे हैं शायद वो चीज़ ना हो, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बस आपको जो चाहिए ईश्वर से, आप जो ख्वाहिश रख रहे हैं उसके लिए आप प्रार्थनाएं करते करते रहिए और विश्वास रखिए, ठीक है? जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ अवश्य होगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आपको अपने विश्वास को मजबूत करना होगा। तो ऐसा लग रहा है कि आपके मन में नकारात्मक विचार ज़्यादा आ रहे हैं, आपका विश्वास जो है वो डगमगा रहा है। तो ये संदेश आपके लिए है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये संदेश पसंद आया होगा। अगर आपने दूसरे नंबर की तस्वीर को चुना है तो क्या संदेश है आप देख सकते हैं। आपके सामने है दैवी समय। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो निश्चित आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, जो चीज़ आपकी है वो आपको अवश्य मिलेगी। हो सकता है कि वक्त लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद ये चीज़ आपके लिए नहीं है, या फिर शायद ये चीज़ आपकी पूरी नहीं होगी। कोई ख्वाहिश है, कुछ है मन में जो चल रहा है जिसके लिए अब आपको नकारात्मक विचार आने लगे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। जो चीज़ आप चाहते हैं ईश्वर से वो आपको अवश्य मिलेगी, लेकिन वो चीज़ अपने सही समय पर होगी। आपके चिंता करने से वो चीज़ जल्दी नहीं हो जाएगी, तो परेशान नहीं रहना है आपको। अच्छा समय बहुत जल्द आपके लाइफ में आएगा। अगर आपने तीसरे नंबर की तस्वीर को चुना है तो अपना संदेश आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा संदेश है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये संदेश। मौन की भाषा सीखिए, हजार शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे इस संदेश को कि आपके लिए क्यों आया है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है जिससे आपको मौन रहना ही सबसे अच्छा होगा आपके लिए। तो ये संदेश इसलिए है, हो सकता है कि आपकी बातों को लोग समझ ना रहे हों, तो इसलिए ये संदेश आपके लिए आया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है जो ये संदेश आपके लिए है। तो ये बहुत ही अच्छा संदेश है, इसको ज़रूर अपने जीवन में आप फॉलो कीजिएगा, देखिएगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने चुना है चौथे नंबर की तस्वीर को तो ये आपके लिए बहुत ही प्यारा सा संदेश है। रूहानी गुण समूह। रूहानी गुण समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार कीजिएगा। बहुत जल्दी कोई समस्या ऐसी चल रही है जिसका आप हल नहीं निकाल पा रहे हैं, वो समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत जल्दी कोई है जो आपकी लाइफ में आएगा और आपको उस परेशानी से दूर लेके जाएगा, आपकी परेशानी का समाधान आपको बताएगा। बहुत जल्दी कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपको मिलेगा जो आपकी मदद करेगा, और आप जो चाह रहे हैं जीवन में वो आप कर पाएंगे। बस इतना है कि आपको विश्वास रखना, अगर कोई आपकी सहायता करना चाह रहा है तो उसकी बात पे विश्वास कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप विश्वास बहुत कम करते हैं लोगों पे, आपको यकीन जल्दी नहीं होता है। तो ये नहीं करना है आपको। जब आपकी कोई मदद करने की कोशिश करे, आपकी आत्मा कहे कि हाँ वो इंसान सही कह रहा है, तो आपको सहायता लेनी है। उम्मीद करते हैं आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।